वहीं आज से यूपी में छठी से लेकर आठवीं तक के बच्चों के स्कूल जो हैं वो क्लासेस खुलने जा रही हैं। पिछले साल मार्च में कोरोना संकट शुरू होने के साथ महीने में स्कूल बंद कर दिए गए थे, जिसके बाद अब इन स्कूलों को धीरे धीरे खोला जा रहा है। इस कड़ी में बुधवार से छठी कक्षा से लेकर आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए भी स्कूलों को खोला जा रहा है। तैयारियों की तस्वीरें यूपी के कई जिलों से सामने आई हैं, जहां कोरोना से लड़ाई के बीच अब छोटे बच्चों की पढ़ाई भी शुरू होने वाली है। फिलहाल अब प्रयागराज, आगरा, श्रावस्ती समेत कई स्कूलों की तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर दिशा निर्देशों का पालन करते हुए कोविड गाइडलाइन के तहत इंतजाम किए गए हैं। तो तस्वीरें आपने देखी, आइए अब आपको सीधा ग्राउंड पे ले चलते हैं। शैलेश अरोड़ा हमारे सहयोगी इस वक्त सीधा कनेक्ट है लखनऊ से। शैलेश, ये वाकई बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, बहुत लंबे समय बाद कक्षाएं जैसे कि पहले होती थी कोरोना काल से पहले वैसे शुरू होने जा रही हैं। कैसे शुरू होंगी, इसकी SOP क्या जारी की गई है, कैसे ये सब कुछ आगे बढ़ेगा आज? राजन, 11 महीने का लंबा वक्त और उसके बाद मार्च 2020 में विद्यालय बंद हुए थे और आज से एक बार फिर से कक्षा 6 से 8 के विद्यालय खुलेंगे। 12वीं तक की अगर बात करें, 9 से 12 के विद्यालय 19 अक्टूबर तक खोले जा चुके हैं, लेकिन 6 से 8 के आज से खुलेंगे। और इनमें अगर हम बात करें SOP की, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दिन बांटे गए हैं, यानी जो एक क्लास होगी, मान लीजिए अगर आज क्लास 8 की पढ़ाई होनी है तो हफ्ते में 2 दिन उनके लिए होंगे। इस तरह से पूरा एक टाइम टेबल गवर्नमेंट ने जारी किया है, यानी एक दिन कक्षा 1-2, एक दिन कक्षा 3-4, इस तरह से करके हर क्लास के हफ्ते में 2 दिन। दूसरी चीज़, जो सोशल डिस्टेंसिंग है, जो यहाँ गृह मंत्रालय की, स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइंस हैं इसको लेकर, उनका पालन करना होगा, कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना होगा, मास्क, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्कैनिंग, ये सारी चीज़ें जो है इनका पालन किया जाएगा। दूसरी चीज़ बड़ी अहम, कि एक दिन में 50% स्टूडेंट्स को ही बुलाया जाएगा एक टाइम पर, यानी कि अगर किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, 100 स्टूडेंट्स का बैच है, तो आज 50 और कल 50, यानी ऑल्टरनेट डे पर ये इनकी पढ़ाई होगी। तो ये एक व्यवस्था की गई है। इसके साथ अगर देखें तो अभी जितने स्कूल खुलेंगे इनमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरह के विकल्प स्टूडेंट्स के पास होंगे, उनके ऊपर बंदिश नहीं होगी कि आपको स्कूल आना ही है, यानी अगर घर वाले बोलते हैं आप स्कूल जाइए तो आप जाइए, अदरवाइज घर से आप ऑनलाइन पढ़ाई कर सकते हैं। दूसरा है। जो भी स्टूडेंट स्कूल आएंगे उनको अपने पेरेंट्स से एक कंसेंट फॉर्म लाना होगा, जिसके पास कंसेंट फॉर्म नहीं होगा इस कोई भी स्कूल उन बच्चों को स्कूल में नहीं आने, यानी शैलेश, यानी शैलेश दोनों ही विकल्प होंगे, ये दोनों ही विकल्प होंगे, ऑनलाइन के भी और ऑफलाइन के भी, और ये तय करना है पेरेंट्स को कि वो अपने बच्चे को ऑनलाइन पढ़ाना चाहते हैं या ऑफलाइन उसकी पढ़ाई वो शुरू करवाना चाहते हैं। एक बार फिर से शैलेश, बहुत धन्यवाद आपका इन जानकारियों के लिए।